हजारों हजारों की संख्या में जो पंडाल बढ़ाया गया था बहुत बड़ा, वो भी छोटा बढ़ गया। अंत्योदय लाभार्थी सम्मेलन करने का काम किया था और सम्मेलन के अंदर जो जिन जिन लोगों को लाभ मिला है, अलग अलग तरीके का जो पार्टी ने जो अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक जो गरीब लोगों तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया है, उसके अंदर चाहे हमारे सबसे पहले तो जो एच के आर एम के अंदर जो भर्ती होती है जिनको रोजगार दिया जाता है, वो 1 लाख रुपए या उससे कम इनकम है उनको पहले उनकी प्रेफरेंस दी जाती है। इसी तरीके से चाहे वो चिरायु कार्ड का था, उसमें 1,80,000 रुपये तक की जिनकी इनकम है उनके 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल एक घोषणा की है कि अब जो 3 लाख जो इनकी आय है उनको भी इसके अंदर चिरायु कार्ड के अंदर शामिल किया गया है। और आप सबको भी बधाई दूंगा कि शायद पत्रकार साथियों को भी इसके अंदर शामिल किया गया है कि इलाज जो है वो कोई भी परमात्मा ना करे, अगर किसी को दिक्कत तकलीफ हो जाए तो सरकार की तरफ से जो फ्री किया जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी जो हॉस्पिटल पैनल के ऊपर है। इसी तरीके से हमारी सरकार की जो घोषणा थी घोषणा पत्र के अंदर भी कि हमारी सरकार ने पर हम 3,000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन देने का काम करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसकी भी घोषणा की है कि आने वाली 1 जनवरी से 3,000 रुपये जो है वो वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। तो मैं कहूँगा कि लगभग जो घोषणा पत्र के अंदर हमने जो चुनाव के अंदर जो वायदा किया था वो वायदा पूरा करने का काम जो है हमारी सरकार ने हमारी पार्टी ने करने का काम किया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश के अंदर कार्य चल रहे हैं, खासकर हमने एक बात कही थी चुनाव के अंदर भी कि हम हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल देने का काम करेंगे, उसके तहत जल जीवन मिशन से आज अगर मैं गाँवों की भी बात करूँ तो 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक के कार्य लगभग हर गांव के अंदर जो है वो चल रहे हैं। कई जगह पूरे हो गए हैं, कई जगह कार्य जो चल रहे हैं जिससे काफ़ी हद तक बहुत लाखों घरों के अंदर जो है रसोई तक हमने स्वच्छ पानी देने का काम जो है हमारी सरकार ने जैसे हमारी कमिटमेंट थी उसके तहत करने का काम जो है वो किया है। तो आज तो विशेष रूप से ये बताने के लिए, दूसरा हमने अभी जनसंवाद कार्यक्रम भी चलाए हुए हैं, जैसे आज भी मेरा 5 गांवों के अंदर बरौड़ा के अंदर जनसंवाद है। पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी हर जगह पे जनसंवाद करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि 6,500 गांव है मुख्यमंत्री महोदय तो हर जगह जा नहीं सकते, इसलिए सारे प्रदेश के मंत्री और सारे विधायक भी अपना हल्का छोड़ करके दूसरे हल्के के अंदर भी जनसंवाद कार्यक्रम लगातार हमने चलाए हुए हैं, जिससे लोगों के बीच में जाकर के जो क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि है और जनता लोग आज हमें बताते हैं कि धरातल तक हमारी जो योजनाएं पहुंची है उनका जो लाभ मिल रहा है उसके बारे में उनको कैसा महसूस हो रहा है, कैसे अपने अपने अनुभव जो है लोग बताने का काम करते हैं और अपनी राय भी हम लोगों से मांग रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रजातंत्र के अंदर लोग सरकार बनाने का काम करते हैं, लोग जो राय देते हैं उनको भी सरकार उस पर विचार करके उसमें शामिल किया जा सके, इसलिए पूरे प्रदेश के अंदर आज मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री विधायक सारे के सारे जो है जनसंवाद के अंदर भी जो है लगे हुए हैं। तो आज तो यही जानकारी मुझे आपको देनी थी, विशेष रूप से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वार है उनका भव्य स्वागत हम कल यहाँ करने का काम करेंगे। Okay.